देखो। दीदी क्या हुआ झिलमिल को? कुछ नहीं हुआ बेटा। पक्का? नहीं, ये तो ठीक ठाक थी, स्प्रे हो गई थी। है तो ठीक है, थोड़ी स्वेलिंग लग रही है हल्की ऐसे। अच्छा, चल लाइन पे तो पैट की ही स्वेलिंग है, वो थोड़ा उसको कुछ मत कराओ, अभी कुछ टाइम में सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसको कमरे में बाहर नहीं निकाला है सर इसको, कि अगर दो तीन दिन और आराम करती है ठीक है। कल इसने इतनी उछल कूद करी है, मैंने उसको थोड़ी देर में ही अंदर बंद कर दिया था। जो तुम्हें डर लग रहा है, तुझे मैंने ये बोला था, रप्चर नहीं है ऐसा, मैं सोच रही पूरा रप्चर हो गया। नेहा तेरे को कल ये बोलना था मैंने, इसको ऑब्जर्वेशन के लिए थोड़ी देर बाहर छोड़े, जैसे बारिश आएगी अंदर कर देना। दरअसल तूने अंदर कर दिया था पता मुझे, पर मुझे पता था कि जब तक पूरी तरह सही नहीं होती कि बाहर जाएगी तो ये क्या आतंक मचाएगी। ये जब नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल नहीं बैठती, हमको पता है ये कितनी बदमाशी करती है। सर्जरी होने के बाद अगर ये 3-4 दिन बाद रूम से बाहर निकलेगी तो कितना बदमाशी करेगी। किसी को कोई मिसकंफ्यूजन ना हो फिर से। फैट रप्चर का मतलब ये नहीं कि फैट टियर हो गया, थोड़ा सा सेपरेट हुआ है सूचर लाइन से, पर अभी भी इसको हम रेस्ट देंगे तो वो अपने आप थोड़े टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। इसको घर के अंदर रख सकते हो? नहीं, मैं घर के अंदर ही रखती हूँ इसको सर। हाँ। ये जैसे आज सुबह से घर के अंदर आराम से सो रही थी। हाँ। जस्ट अभी मैं आई हूँ ना, तो थोड़ी देर बाहर निकल के। तो इसको जब बाहर निकाल रहे हो ना, तो आप इसके साथ ही रहोगे, ये बाथरूम वाथरूम करके फिर इसको अंदर ही रखोगे। मेरे को नहीं पता था, अमनदीप ने आके बताया, कल भी ये बाहर निकली थी, मुझे नहीं पता। नहीं, कल तुम्हें मैंने आके तो बोला। अब वो अगर नहीं बताओगे थोड़ा ना, वो फॉस्टर कर रही है ना। कल इसका ट्रीटमेंट किया नहीं, अमन ने कितने दिन में ये पूरी भीग गई है और बाहर आ गया। भाई राधा हो जाएगा बच्चा, थोड़ी को डर मत, ये 5 दिन में बड़ी हो गई है। राधा मुझसे कल से भड़की हुई है, ये बोल क्यों दिया भाई? गलती मत पॉइंट करो, गलती मत पॉइंट करो। लोगों की गलती है, मेरे सर पे थोप देते हैं, फिर मेरे को बोलते हैं रिश्तेदारी निभा रही हूं तो यहां पे हूं मैं। इंडिया में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हाँ। भाई अपने से जो वो है ना अधिकारी को कभी चैलेंज नहीं करेंगे, तो भाई ये क्योंकि पैरा वेट हैं, तो अगर वेट ने कुछ सही नहीं किया तो ये कभी चैलेंज नहीं करेंगे उसको। चैलेंज क्यों नहीं करेंगे? करेंगे तो फिर ठीक होना चाहिए ना। 1000 बार करती हूं यार। अब मैं देखो, मैं अपनी टीम का ना कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलूंगा नहीं। क्या बोलूं मैं? दीदी कोई टिप्पणी? नहीं है टिप्पणी मेरे पास, जब दो 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 क्लियरेंस करूंगी। दो ना टाइम क्यों, ऐसे कर दो। हाँ। बोलो जो हमेशा वो जो चीजें दिखाई जाती है वो सच नहीं होती है। आप बताओ ना सच, आपके सामने मौका है। नहीं अभी तो मेरे पास मौका है, पर टाइम नहीं है ना भाई। एक आध लाइन में बता दो, संक्षेप में बता दो। संक्षेप में बताऊंगी तो जब मेरे पास टाइम होगा। अच्छा विकी, तू सबसे ज्यादा मेरे साथ होता है, मैं लड़ती हूँ अगर कुछ ऐसी बात होती है डॉक्टर के साथ ही। नहीं सच सच बोलना। अब इनको तो लगता है कि मैं रिश्तेदारियाँ निभाती हूँ, ये तो ये भी बात सच है, रिश्तेदारियाँ निभाती हूँ भाई। तू यहाँ पे हो, लोग सबकी सुनती हूँ मैं। दीदी तो रो देंगे थोड़े। दीदी उस कैमरे में तो कुत्ता भी नहीं है। क्या दिखाया गया जो सच नहीं था? दिखाया नहीं, जो बोला जाता है हमेशा। अच्छा राधा को ये कि मैंने राधा को क्यों डांटा, जबकि गलती किसकी थी राधा? गलती किसकी थी? अब गलती थी किसकी, ये तो हमें व्लॉग एडिट करते हुए आज दिन के अंत में पता लगा, और हमने वो व्लॉग के अंत में फिर रखा भी। हम वापस से घर हो जाएंगे, जो हम कल गए थे ना गाय और बछड़ा। बछड़े को रेस्क्यू करना था जिसके मुंह में इंजरी है नीचे, तो जब हम वहाँ पहुँचे माँ बछड़ा दोनों साथ थे। बाद में क्या हुआ ना, पकड़ने के दौरान में माँ भाग गई, बछड़ा रह गया हमारे पास। तो हमने सोचा कि अब बछड़े को ले आएंगे तो फिर माँ तो फिर मिलने से रही हमें। घरों से नानक जो काफ़ी केसेस के लिए फ़ोन करते हैं उनको अभी वो दिखाए तो वो नज़र में रखे हुए हैं, अभी हम जा रहे हैं उसको लेने, दोनों माँ और बच्चे को। ठीक, क्या कवर किया राधे ने? मुझे हर जगह फोकस लोगे क्या? क्या आप सबसे पहले डार्ट गन से ही मारेंगे साहिल भाई? हाँ यार, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, क्या? ठीक है, डार्ट गन से ही मार लेते हैं। चोट लगी किसको है? बच्चे को। माँ को क्यों ले जा रही फिर? बच्चा दूध पी रहा है। ये बच्चू निकला कहाँ पे सर भाई? भाई खेल रही। अच्छा ये रहे पौधों के बीच में, तो सबसे पहले माँ को पकड़ेंगे, उसके बाद बच्चा आसानी बच्चा से आ रहा है। खुद दिया जाएगा। चाचा रस्सी ले आ। बच्चा भाग गया। चाचा उधर से बच्चू आराम से आ जा। कीड़े पड़े हैं, मुंह भी बड़ा, पेड़ भी बड़ा है, पाँव में लगी है, ये लगी है,
ये हुआ कैसे इसका, ये एक्सीडेंट वगैरह हुआ है कुछ? भाई वैसे होगा, पहले मैंने तो इसको पेट में था ना मैगनम बोन, हाँ हाँ, फिर बाद में मुंह में, तो मेरे को परसों लगा था पता। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका धन्यवाद भैया, हमारा किसी का धन्यवाद। इसको सीधा हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? जगह नहीं है हमारे पास। साल भाई यहाँ पे तो बहुत सारे रखे हुए पहले से। हाँ? सब पेन किलर दिया आपने? मैगेट्स है सर? बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, बहुत ब्लड निकला है इसके पैर से। इसका जबड़ा तो पूरा टूटा है, तो ये अपना माँ का दूध कैसे पियेंगी? दांत तो निकले आगे से, जीभ चला रहा है, देखना पड़ेगा आज भी पाता है कि नहीं, तो फिर बॉटल फीड कराना पड़ेगा। लेकिन चाचा अपन ने तो इसलिए लाए थे ना ताकि अपना माँ का दूध पी सके, तो फिर तो जबड़ा ही नहीं है तो फिर कैसा पिएगी? हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि ये दिमाग पे देखें कि ये दिमाग का दूध पी रहा है कि नहीं, डॉट खोली है ना, पीता है कि नहीं पीता है। पैर वाला ज़्यादा डीप है क्या वो, होल जैसी पेट पे भी? लंदन था पटाखा दिखे बच्चो। आगे देख ले, चाचा मामा ताऊ नाना सब खड़े। अभी इसके दांत है नहीं, तो इसके दांत वापस आने के चांस है? मुश्किल ही है चांस तो वैसे भी। फिर ये बड़ा होके क्या खाएगा, घास वास कैसे खाएगा? थोड़ा इससे इसको तोड़ने में तकलीफ होगी आगे वाले दांत से ना, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में दांत नहीं होते हैं, नीचे तो वैसे काम चला सकते हैं, पर अगले से अब देखते हैं कैसे हीलिंग कैसे होती है। यहाँ से दांत आते वो फ्रैक्चर है? हाँ, वो निकल गया हड्डी का पार्ट भी और दांत भी झड़ गए हैं। दूध पीने की कोशिश तो कर रहा है, अच्छी बात है। हाँ, टू व्हीलर से निकले थे वहाँ से? नहीं नहीं, आप लोग को पता है ना अभी टांडा जाना है। हमें तो नहीं बोला किसी ने, मुझे अभी गाड़ी लोड की, मैंने मैट किए, वो तो मैट लेके चलो, मैं मैट ले आया। मैंने बेहोश जाना है, मैंने बताया है साहब टांडा में बुल बंद करके रखा हुआ है ना, जो टेस्टिकल वाला बुल जो हम पिछले दो हफ्ते से ढूंढ रहे हैं, उसको लेके आना पड़ेगा। अभी देखो मेरे को पता है वर्किंग आवर खत्म हो गया है, बट वो जो बुल है ना उसको लाना बहुत ज़रूरी है, उसकी टेल भी कटी हुई है, मैगेट वुंड बढ़ चुका है, लकीली वो किसी ने घर में बंद करके रखा हुआ है। अब गाड़ी मोड़ो और वापस जाओ, गाड़ी हटवानी पड़ेगी आपको, गाड़ी हटानी पड़ेगी क्योंकि ये कूदेगा ना थोड़ा तो टूटे ना बस। ओए भाई तो बंदा है, एक्टिव है कैसा, एग्रेसिव कुछ है? नहीं एग्रेसिव तो नहीं है भैया। आपको मिला कहाँ पे था ये? यहीं पे, यहीं पे था। आपने अंदर करा, आपने आप अंदर आया? वो नहीं अंदर ही था, हमने बस गेट बंद किया। ये तो आपने अच्छा करा भैया, बंद कर दिया। नहीं ऐसे बड़े बैल होते हैं ना, इनको पकड़ने में हालत खराब हो जाती है। विक्की भाई आपने कैमरा क्यों नहीं पकड़ा? आज कुणाल भाई आया ना शूट पे। अच्छा जी, और ये 6 बजे के बाद था तो मेरा ऑफिस टाइम फ्री हो गया था, तो फिर मैं आ गया साहिल भाई की हेल्प करने, वो अकेले थे ना, मेरा बहुत दिनों से मन भी था बैल को पकड़ने का। साहिल भाई इतना दूर होकर क्या बांध रहे हो, देखियो कितनी गंदा प्रेम है। चाचा आप ही आ जाओ ना बांधने, चढ़ जाओ। वाह मैं बात करता हूँ सर से, थोड़ा सा और चाचा, थोड़ा और जोर मांगता है। बेटे चले जा, हो गया विक्की? हाँ भाई, देखा विक्की का कमाल। विक्की को पूरा पता है क्या-क्या करना है, तिरपाल बांधने की कोशिश ताकि बैल बाहर ना कूदे, छत पे फेंक देना भाई। अच्छा डी मैग दे, हैं डी मैग मारी मैं। साहिल भाई दिखाओ जनता को कि हम मत कहाँ पे था। हाँ देख, ये यहाँ पे था, ये ऊपर पर पकड़ के शूट मार दिया भाई, गिरू ना बस ना, आ जा आगे जाएगा पीछे से भाई, यहाँ से मर उतर गया। रेस्क्यू जस्ट खत्म करके अंदर डाला इसको, टाइम काफी हो गया। आपके जैसे लोगों की पीपल फार्म को सख्त जरूरत है, जो आधी रात को भी जानवर की जान बचाने के लिए हाजिर है। हाँ जी, क्योंकि बिग और स्मॉल वी लव देम ऑल। अभी हम पहुंच रहे हैं भाई, कितने बजे रात के बताएगा विक्की? रात के बज गए हैं 10:30 के आसपास का समय हो चुका है। गाय को उतारेंगे हॉस्पिटल में, गाय नहीं बैल। ये रखे बहुत सारे मैट, ये ना मैट मंगवाए हैं, और सोच कितने का होगा एक मैट? एक मैट होगा कुछ 5,000 का।
2700 रुपये का एक मैट है, मतलब 70-80 हज़ार रुपये के मैट मैट आए हैं। ये इतने कितने बंडल है? चार ही बंडल है बस, ये देखने में कितने कम लग रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन, 5 बंडल है। 5 बंडल, एक बंडल में कितने हैं? 8 है। ड्रामे कर रहा है भाई, डरते मैं बोला चला जा रहा था। आजा बच्चू जल्दी आजा भाई, लेट हो गया, घर वर जाना है, खाना वाना खाना है यार। ओए 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 भाई 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 भाई, लग गई भाई साहब। छोड़ मेरे, कितने बोला इंजेक्शन लग के छोड़ दिया भाई, हाथ मारना तो मेरे को तक लगना है। ले बाबू पानी पी ले। हाँ, तेरे बाबू ने खाना नहीं खाया। ये खा ले आज। चलो भाइयों बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खेर, कल मिलेंगे। अबे इसको शूट क्या करना है, इधर इधर से आ जाओ, इधर दिखाना है ना स्क्रीन पे। ये जो उस दिन शूट हुआ था ना, इसका चेंज का, हाँ, जिसमें आप दोनों की थोड़ी वो थी तकरार, थोड़ी सी थोड़ी अनबन नहीं हो रही थी, थोड़ी सी थी मिस कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। तुम दो मिस बात करेंगी तो मिस कम्युनिकेशन है ही। इन्हें यार दिखा दो फिर। अगर 2-3 दिन और आराम करती है ठीक है, कल इसने इतनी उछल कूद करी है, मैंने उसको थोड़ी देर में ही अंदर बंद कर दिया था। जैसे तो बड़ा शरीफ है, नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल नहीं है, बैठती है, हमको पता है ये कितनी बदमाशी करती है। इसने क्या किया था? यही तो था वो मेन हीरो। वेट एक सेकंड, पॉज कर दे, क्या ट्विस्ट कहानी में? ट्विस्ट ये है, कहानी में ट्विस्ट क्या है? सही सही बता दूं? हाँ सही सही बताओ। ठीक है, क्या की? नहीं 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 मैंने, ठीक है, मैंने नाम नहीं क्यों आज सकते हैं खुला था गेट? नहीं, गेट मैंने खोला था तो झिलमिल अंदर थी, मुझे पता नहीं था कि उसकी सर्जरी हुई है। अच्छा। तो मैं गेट खोला, आप अंदर गए, वो तब भी अंदर ही थी, तो मैंने इनसे पूछा था कि इनसे पूछा था आराधा दीदी और अजय थे वहाँ पे, तो मैं कहा कुछ हुआ तो ही नहीं है ना, बाहर जाने दे सकते हैं? कोई कुछ नहीं बोला सर, मैं तब भी खड़ा रहा, तो मैंने इनके लिए जगह छोड़ी कि आप आ जाओ अंदर, इनके हाथ में ट्रे थी, किसी ने रोका ही नहीं। मैं पूछा दो बारी कि कुछ इनको जाने देना है कि नहीं जाने देना। तो आपने क्या कहा था? सॉरी, आपने क्या कहा कि मत जाने दे इसकी सर्जरी? नहीं, मैं ऐसे पकड़ी हुई थी, वो ऐसे निकल गए और मुझे कहते हैं इनको जाने दे, मैं सोचूं ये तो जा चुके हैं, कहां को जा रहे हैं? ये तो बोल देते, अरे नहीं नहीं सर्जरी ये रोको इसको, वो तो भाग चुके थे तो झेल में। पहले दिन भी मैंने नहीं छोड़ी थी, वो डॉक्टर खुर्शीद ने छोड़ी, फिर भी मैंने किसी का नाम लिया, फिर भी गालियां खा, उस दिन उससे छुट्टी तो भी खुद ही गालियां खा, मैं कुछ नहीं बोल सकी मैं से। तब वो खुर्शीद ने झिलमिल को के वर्ड बोला है। क्या के वर्ड? मतलब मिनी वर्ड, मिनी उन्हें पता रहना चाहिए रियलिटी में, लोगों को पता है, हम भी आदमी है।